आज मैं आपको बताऊंगी कि कढ़ी चावल कैसे बनाते हैं। कढ़ी चावल की रेसिपी ये मैंने बना दिया है, ये जैसे कि आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले हम पानी बॉइल करेंगे। ये पानी हम पोमाइश करके नहीं डालेंगे, ओवर ऑल डालेंगे, क्योंकि हमने चावलों का पानी बाहर निकालना है, इस वजह से हम पानी ज्यादा डालेंगे। और नीचे इसकी फ्लेम तेज रखनी है। फिर हम इसमें नमक डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर। नमक डालने के बाद हम इसका एक बॉयल आने तक वेट करेंगे, जब तक इसकी भाप नहीं निकल जाती। फिर उसके बाद हमने इसमें चावल पहले से धो के रखे हुए होने हैं, वो चावल हम इसमें डाल देंगे, थोड़े थोड़े करके या फिर एक साथ डालेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। ये अब हम इसमें चावल डालें, ये मैं इसमें चावल डाल रही हूँ थोड़े थोड़े करके। अब मैं इसमें यकदम सारे चावल डालूंगी। ये चावल डालिए इसमें सारे। ये हमने इसमें सारे अब चावल डाल देने हैं। चावल डालने के बाद हमने इसको स्पून के साथ भी डाल सकते हैं और हाथ के साथ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने इसको हिला देना है, चावल डालने के बाद, सारे चावल डालने के बाद। हलाने के बाद फिर हमने इसके ऊपर कैप दे देना है। ये हम सारे चावल डाल लिए अभी इसमें, जैसे कि आपको नजर आ रहा है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे, सारे चावल डाल लिए हमने इसमें। ये जैसे कि हमने सारे चावल इसमें डाल लिए हैं, अब हमने इसको चम्मच को हिला देना है। चम्मच को हिला के चम्मच साइड पे रख देंगे। ये देखें, आग फुल है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन नहीं देंगे, क्योंकि पानी ज्यादा है इसलिए ढक्कन नहीं देंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे, क्योंकि इस वजह से कि ये चावल आपस में जुड़े ना। ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने पानी निकाल लिया चावलों का एक साइड पे, दूसरी साइड पे हमने चावल निकाल लिया। ये चावल है हमारे और वो हमारा पानी था, चावलों का पानी निकाला हुआ। ये चावल है, वो चावलों का पानी है। और उसके बाद अब हम ये देखें, सारे चावल ऑयल डालने की वजह से लदा लदा। अब हम इसकी कढ़ी बनाएंगे। ये हमने सारी चीजें डाल दी हैं, जो जो चीजें हैं, और बाद में हम इसको रेसिपी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे, वो डालेंगे। उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। उसके बाद 1 अदद मैंने प्याज डाला है इसमें, 1 अदद प्याज डाला है। ये देखें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट है, एक अदर प्याज है। अब हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल डालने के बाद हम थोड़ा सा इसका ब्राउन होने का वेट करेंगे। जब तक ये ब्राउन होता है, तब तक हम इसका वेट करते हैं कि कब तक ये ब्राउन होता है। ये देखिए, जैसा कि मुझे कुकिंग ऑयल कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया इसमें। अब ये देखें, लाइट लाइट ब्राउन हो रहा है। जब ये लाइट डार्क ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको, लाइट लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इसमें वो डाल देंगे, मिर्चें डाल देंगे, 1 चम्मच मिर्चें, रेड मिर्चें, फिर हल्दी 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक डाल देंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह हिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें पालक डाल देंगे, काटी हुई पालक 1 अदद, एक गुच्छी पालक की, वो हम काटी भी डाल देंगे। फिर थोड़ी देर तक हम इसको मिक्स करेंगे। ये देखें, जैसे कि आपको नजर आ रहा है, हम इसको मिक्स कर रहे हैं पालक को। जब ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएगी, फिर इसमें हम बेसन डाल देंगे। ये देखें, अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, हलाना है अच्छी तरह। अब हमने इसमें बेसन डाल दिया।
ये हमने 1 पाव इसमें बेसन ऐड कर दिया, 1 पाव भी, और 1 पाव भी ऐड कर सकते हैं, 1 पाव से ज्यादा भी, जो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी ऐड कर ले। बेसन डाल के हमने इसको अच्छी तरह हलाना है, मिक्स करना है। ये मिक्स करते जाना, जब तक अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, इसको हलाते जाना हमने। अब हमने ये जो चावलों का पानी निकाला हुआ था वो है, अब हमने 1 कप, पहले 1 कप डालना है, फिर उसको हलाना अच्छी तरह। 1 कप डालने के बाद फिर अगर जरूरत पड़े तो दूसरा कप भी उसका पानी का डाल देना, चावलों के पानी का। ये अब मैं 1 कप चावलों के पानी का डालने लगी हूँ, ये देखें 1 कप चावलों के पानी का डाल दिया। अब मैं इसको हलाऊंगी अच्छी तरह, देखिए। अब हम दूसरा कप भी इसमें डाल देंगे पानी का, ये अब हम दूसरा कप भी इसका पानी का ऐड कर देंगे। दूसरा कप पानी का ऐड करने के बाद अब हम इसमें 1 कप के बराबर ना चावल डाल देंगे, पके हुए जो चावल हैं, व्हाइट चावल, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो 1 प्याली भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब ये देखें, मैं 1 कप इसमें, पहले इसको हलाना है, फिर इसमें 1 कप चावल ऐड कर देना है, सफेद पके हुए चावल, जो जिनका ये पानी निकाला था, वो वाले चावल ऐड कर देने इसमें। ये देखिए, जैसे कि आपने देखा, मैंने 1 कप चावल इसमें ऐड कर दिए पके हुए। फिर इसको अच्छी तरह हलाना है, हलाने के बाद अच्छी तरह मिक्स करना है, पहले इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो चावलों का पानी है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये जो हमने पहले चावलों का पानी निकाला हुआ था उसको हम ऐड कर देंगे। पहले हम 1 कप डालेंगे, फिर उसके बाद सारे डाल देंगे। फिर पहले हमने 1 कप ऐड किया, अब अगर जरूरत पड़ी तो इसका दूसरा कप भी ऐड कर देना, नहीं तो फिर यहाँ सारा उठा के एक साथ भी डाल सकते हैं, और आराम आराम से भी डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब जैसा कि ये देखें, मुझे लग रहा है कि स्टार्च जो है ना वो थोड़ी सी गाढ़ी है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी अब, ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए, स्टार्च कुछ ज्यादा गाढ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने लगी हूँ अब, ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया। फिर पानी ऐड करने के बाद इसको हलाना है, हलाने के बाद इसको 5 या 10 मिनट के लिए आपने इसको ढांप देना है, ढक्कन दे देना ऊपर, जब से ये एक दफा बॉईल आ जाएगा, उसके बाद फिर आपकी जो कढ़ी है, चावलों की कढ़ी, वो रेडी हो जाएगी। अब देखें, मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगी हूँ। आग आपने मीडियम नहीं करनी है, आग आपने तेज ही रखनी है। ये अब मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगी हूँ, 5 से 10 मिनट बाद आपने वेट करना है। ये देखें, जैसे कि मैंने इस पर ढक्कन दे दिया, ये देखिए अब 5-10 मिनट के बाद मैंने इसको जब खोला तो ये ऊपर से भाप निकल गया ना, ये अब हमारा बंद है, मतलब हमारी जो कढ़ी है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको नीचे से फ्लेम बंद कर देंगे, ये हमने फ्लेम बंद कर दी। उसके बाद अब ये देखें, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी कढ़ी रेडी हो गया, अब मैं ये डाल रही हूँ, कुछ नजर आ रही होगी, ये ऐसे पक के इस तरह बन जाएगी, बहुत मजे की है ये, बहुत मजे की बनी है, और सस्ती भी है, क्योंकि चावलों का पानी है, चावलों का पानी आपने ऐसे भी जाया करना होता है, तो वैसे हम एक हंडी बना लेंगे। ये देखें, ये चावल और उसकी कढ़ी रेडी हो गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट हो गया।